सबसे पहले मैं सभी सम्मानित वाइस चांसलर का जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त वाइस चांसलर्स का यह राउंड टेबल इस वर्ष Y20 समिट और आदरणीय राष्ट्रपति जी के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति के पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं मानता हूँ, जहाँ वर्तमान एजुकेशन सिस्टम तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर करेंगे तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन का एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये आयोजन कश्मीर विश्वविद्यालय में रखा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किंग आर्थर जब राउंड टेबल मीटिंग्स की शुरुआत की जब उन्होंने, तब उसकी कुछ परिकल्पना समुद्र मंथन जैसी थी, ताकि सभी बैरन की चर्चा से समाज मानवता के लिए कुछ नए विचार निकल सके। मुझे विश्वास है उसी भावना से श्रीनगर में वाइस चांसलर्स राउंड टेबल विश्वव्यापी दृष्टिकोण के साथ सभी संबंधित यूनिवर्सिटीज एवं देश के अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए नए विचार तथा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यापक प्राथमिकताएं, ब्रॉड प्रायोरिटीज 3 दिन के मंथन में तय करेगा। पूजा पद्धतियों में एक शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, अक्षत, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप में जो होता है उसे हम अक्षत कहते हैं। अपने प्योर फॉर्म जो चावल पूजा में अर्पित किया जाता है उसे अक्षत का चावल कहते हैं, जिसे न पॉलिश किया जाता है न ही वो टूटा होता है, वो बिल्कुल अपने नेचुरल स्वरूप में होता है। और मेरी अपेक्षा होगी कि इस राउंड टेबल में बिल्कुल दो टूक बातें हों, बिना परिष्कृत ये चीज़ों को जस का तस सामने रखा जाए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ 17, 18 और 19 अक्टूबर को चर्चा हो रही है उससे पूरे देश की एकेडमिक कम्युनिटी लाभान्वित हो सके। ट्रेडिशनली ये राउंड टेबल है, इसलिए मैं आज शुरुआत गैर परंपरागत रूप से करना चाहूँगा और कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वर्तमान में पूरी दुनिया में 300 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, इनमें से लगभग 100 मिलियन स्टूडेंट्स प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं और लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 116 देशों ने क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अपनाया हुआ है और लगभग हर देश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक नेशनल रैंकिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। पिछले 15 सालों में दुनिया में जितने नए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए हैं उसमें 74% योगदान अकेले हमारे देश भारत का है, यानी कुल मिलाकर 22,250 नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारतवर्ष में शुरू हुए हैं। हमारे देश में अभी डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया